मैं स्वाइप अप करूंगा और देखूंगा जो मेरे पासवर्ड लगा था वो हटा कि नहीं हटा गाइस। तो मैं स्वाइप अप करता हूँ और गाइस मेरा पैटर्न हट चुका है गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस कैसे हैं, आयो आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आज जो हमारा कंटेंट है, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा गाइस कि आज मैं करने वाला हूँ विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग। जी हाँ, जैसा कि आपने सही सुना गाइस कि आज मैं करने वाला हूँ विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग। मतलब आप किसी भी फ़ोन का बिना पैटर्न बिना किसी डाटा लॉस, चाहे वो जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि आप केवल उसका गैलरी बचा सकते हैं गाइस, या फिर उसका केवल गैलरी या वीडियो या फोटो बचा सकते हैं, आप यहाँ पे पर्टिकुलर सब कुछ बचा सकते हैं। मतलब उसे पैटर्न या पासवर्ड कुछ भी लगा हुआ है। तो आप उसको अनलॉक कर सकते हैं और बिना किसी रिस्क के गाइस। तो मैं बेसिकली बात करना चाहूंगा वीडियो में कि आपने जितनी भी इतनी सारी वीडियोस देखी हैं गाइस कि आप ये कोड डालो वो कोड डालो, नहीं, हमारे यहाँ पे कोई फेक वीडियो नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल में अगर नए हैं, हमारे स्मार्ट टेलीकॉम में अगर आप नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर वीडियो पता है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को आप हमारे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेन मोटिव हमारा ये है कि अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर परफेक्ट काम करना चाहते हैं, कोई भी फेक वीडियो नहीं, अगर आपको जेन्युइन काम करना है, तो आपके लिए टूल की जरूरत पड़ेगी गाइस। क्योंकि अगर आप विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे विद प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा, कोई भी फेक वीडियो नहीं। तो गाइस कहने का सेंस ये है मेरा कि अगर आपके पास अगर फोन आता है, तो आपके पास टूल होना चाहिए, या यूएमटी होना चाहिए, या अनलॉक टूल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गाइस अभी अनलॉक टूल से करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप विदाउट डाटा लॉस किसी भी फोन का आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यूएमटी का भी सीरीज लेके आऊंगा कि आप UMT में भी कैसे आप विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल फटाफट हम यहाँ पे खोल लेते हैं अपना अनलॉक टूल, क्योंकि बहुत देर ना करते हुए बहुत शॉर्ट वीडियो हम यहाँ पे बनाएंगे गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें। तो गाइस मेरे पास एक वीवो का फोन है, ऐसा नहीं, आप किसी भी फोन, चाहे वो पे यहाँ पे हवाई, ओप्पो, स्मार्ट, मेजूस, टेक्नो, कोई भी फोन होगा, आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे आप टूल के माध्यम से भी आप कैसे आप इसको विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग कर सकते हैं गाइस। तो चलिए तो यहाँ पे फटाफट हम चलते हैं गाइस, यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं वीवो, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखा देता हूँ कि कैसे आप विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे वीवो में आ जाता हूँ, और वीवो में आने के बाद गाइस मैं अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपका मॉडल होगा आप यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे पास अभी वीवो का Y90i है गाइस, मैं आपको बता दूं यहाँ गाइस कि मेरे पास वीवो का Y90i है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सेफ का एक मेथड आ रहा है, मतलब अगर जिसमें भी सेफ लिखा होगा तो आप उसका विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग कर सकते हैं गाइस। ऐसे ही मैं UMT में भी लेकर के आऊंगा, तो UMT में आपको 90% तो नहीं 80% आप फोन को विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे कोई फोन वाइज में यहाँ पे अनलॉकिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यूनिवर्सल मेथड, कि आपको जो भी कंपनी का फोन होगा आपको यहाँ पे जाना है गाइस, और यहाँ पे आपको सेफ मेथड यूज करना है। वीवो Y90C मैंने ले लिया और सेफ ले लिया है। तो सेफ लेने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस, यहाँ पे सेफ फॉर्मेट का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे सेफ फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गाइस, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर दूंगा। और तो मैं आपको फोन दिखा देता हूँ गाइस, ऐसा नहीं कि कोई भी फेक वीडियो है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि ये देखिए, ये हमारे पास फोन है, और यहाँ पे देखिए एक फोन है और ये पैटर्न लगा हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। देख गाइस यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है गाइस। तो मैं कोई भी फेक वीडियो अपने चैनल में नहीं बनाता हूँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम कहाँ पे गए, अपना मॉडल है ब्रांड सेट के लिए, जिस फोन को आप यहाँ पे पैटर्न लॉक करने वाले, तो देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। हम इसकी अनलॉकिंग करेंगे विदाउट विदाउट डाटा लॉस, मतलब कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा, केवल पैटर्न हट जाएगा और यहाँ पे हमारा सेफ हो जाएगा। तो हमने गए यहाँ पे अपना मॉडल सेलेक्ट कर लिया गाइस, और यहाँ पे देख रहे हैं सेफ फॉर्मेट, कभी भी अगर आपको टूल यूज करना है तो सेफ फॉर्मेट यूज करना है, ये अनलॉक टूल है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा UMT के भी सारे सीरीज में यहाँ पे बनाऊंगा कि कैसे आप विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेफ फॉर्मेट, यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक, क्लिक कर देना है फोन, और फोन को कर देना है गाइस प्रॉपर पर्टिकुलर आपको यहाँ पे कर देना है बंद। तो मैं फोन को कर देता हूँ यहाँ पे गाइस बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे वेटिंग फॉर यूज भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव फॉर्मेटिंग, कीप डाटा, कीप डाटा मतलब आपका डाटा बच जाएगा और केवल हमारा पैटर्न हट जाएगा। तो ये सारा चीज मैं आपके सामने लाइव करने वाला हूँ। तो चलिए, तो मैंने वैल्यूम अप डाउन दबा करके फोन को कनेक्ट कर दिया गाइस, देख सकते हैं वैल्यूम अप डाउन दबा के फोन हमारा कनेक्ट हो चुका है।
तो ये अब लिख रहे हैं कि बैटरी हमारा 10% चार्ज होना चाहिए, तो बेसिकली आपका 10% से ऊपर फोन आपका चार्ज रहेगा। तो मैंने इसको जो कनेक्ट किया गाइस, इसको वैल्यूम अप डाउन दबा करके आपको फोन को कनेक्ट करना है, थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये जो आपको मेटा मोड में आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा टूल ही मेटा मोड में ले जाएगा, आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो जैसे आप सेफ फॉर्मेट में क्लिक करेंगे तो वैल्यूम अप डाउन आपको दबाना है, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गाइस ओनली 41 सेकेंड में, गाइस ओनली 41 सेकेंड में हमारा ये अनलॉक हो गया। गाइस यहाँ पे बहुत अमेजिंग वाली बात है, आपके सामने लाइव प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोन हमारा ऑन हो गया, डाटा केबल से लगा हुआ, मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाऊंगा। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं 41 सेकेंड, मतलब 41 सेकेंड, ये नहीं कि आप ये टैब दबा रहे हो, ये पासवर्ड दबा रहे हो, ये कोड डाल रहे हो, नहीं काम कर रहा। अगर आपके पास प्रॉपर टूल है गाइस, ये देख रहे हैं अभी बूटिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बूटिंग हो रहा है फोन, और ये पर्टिकुलर काम हो जाएगा। तो मैं आपको भी चल करके दिखाऊंगा, जॉब डन हो जाएगा गाइस, जो मैंने कोई भी फेक वीडियो नहीं डाला है, आप यहाँ पे देख सकते हो 41 सेकेंड में हमारा जॉब डन हो जाएगा। पर फिलहाल चलिए देखते हैं कि जो भी इतने सारे वीडियो आप देखते हैं, ये कोड वो कोड, इमरजेंसी में जाकर के ये टाइप करना वो टाइप करना, नहीं गाइस, मेरा जो मेथड है सिंपल मेथड है, पर उसके लिए आपके पास टूल होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये अनलॉक टूल है, वैसे आपके पास UMT होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप टेक्नीशियंस हैं, तो आपके पास ये सारे टूल होंगे ही होंगे, और ये प्रैक्टिकल मैंने आपको करके सारी चीजें यहाँ पे दिखाई है। अभी फोन हमारा ऑन हो जाएगा गाइस, देखिए हमारा फोन गाइस ऑन हो चुका है। अब मैं स्वाइप अप करूंगा और देखूंगा जो मेरे पासवर्ड लगा था वो हटा कि नहीं हटा गाइस। तो मैं स्वाइप अप करता हूँ और गाइस मेरा पैटर्न हट चुका है गाइस। तो आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न हट चुका है, ओनली फॉर 41 सेकेंड, ओनली फॉर 41 सेकेंड में हमारा पैटर्न हट चुका है। अब देखते हैं पैटर्न तो हट गया, अब हमारा डाटा बचता है कि नहीं बचता है गाइस। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि जो इसमें डाटा रहा होगा, और ये गाइस आप देख सकते हैं इसमें डाटा भी बच चुका है। तो विदाउट डाटा अनलॉक 41 सेकेंड, विदाउट डाटा अनलॉक 41 सेकेंड गाइस। ऐसे हमारे वीडियो में बने रहे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, ये देख सकते हैं पूरा पासवर्ड और इसमें आपका पूरा फोन लॉग जो भी डाटा है पूरा A to Z बच जाएगा। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल बने रहे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे मैं UMT में भी आपको बताऊंगा कि आप UMT में विदाउट डाटा लॉक अनलॉकिंग कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।